टन टन। हेलो माय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और कैसे था आप सबका दिन? मेरा तो बहुत अच्छा था। हेडेक वाला था, मंडे था, बट अब तो ठीक है। अब तो ये ब्लॉग ट्यूसडे मिल रहा है। और यस, मैंने आप लोगों को लाइव में दिखाया था अपना चाइल्डहुड का फ़ोटो। तो ये देखो मेरे चाइल्डहुड का फ़ोटोज़। बताओ कौन सी मैं हूँ इसमें? आई थिंक हमारे चार लोग हैं। गेस, इसमें हम चार लोग हैं। गेस करो कौन कौन सा है। टेक अ स्क्रीनशॉट और देन बताना कौन सा है, या फिर कलर देख लो आप कौन कौन सा है। ठीक है, कलर देख लेना देन बताना कौन कौन सा है बंदा यहाँ पे। ना ध्यान से देख लो, मैं भी आपको मेरी शक्ल पहचान में मिल रही है। सांवले सी लड़की मैं बचपन से लेके अभी तक सांवली ही हूँ और ऐसे ही रहूँगी। बाल तो अब मेरे बड़े हो चुके हैं, उसमें तो टकलों सी हूँ मैं। समझे इशारे दिल ये पुकारे। और आज तो वोटों का रिजल्ट भी आ रहा है, तो एक्साइटेड हो किसकी सरकार आ रही है कमेंट करके बताना। सरकार जिसकी मर्जी आए, बस अच्छा होना चाहिए, देश अच्छे से चलना चाहिए। महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत बढ़ रही है। और यस, और आप लोग बताना कैसे रहा आप सबका दिन, कैसी चल रही है आप सबकी लाइफ, कैसे लग रहा है मेरा ब्लॉग आप सबको। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इसलिए क्योंकि हमारे 2.5K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप सबके ब्लेसिंग्स, आप सबके सपोर्ट की वजह से आज हमारी इतनी फैमिली बड़ी हो चुकी है। सो यस, शुक्रिया आप सबका। प्यारे प्यारे कमेंट्स किया करो, हमारी वीडियो देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, सजेशन दिया करो, बैड कमेंट्स मत किया करो। बस बैड कमेंट्स ऐसा होता है ना यार, बंदा मोटिवेट तो क्या होगा, डिमोटिवेट हो जाता है ना। और हम क्यों ही गलत कमेंट करें ना, हम गलत बोलते हैं तो इससे हम अपना बताते हैं, अपना बैकग्राउंड बताते हैं, अपनी क्या कहते हैं यार, समझ नहीं आता। एक तो मेरे मुंह पे ना वर्ड नहीं आ रहे होते हैं, क्या बोलना होता है उसको, तो वो दिखाते हैं हम अपना करेक्टर। करेक्टर भी नहीं कहेंगे यार, अपना बैकग्राउंड दिखाते हैं। तो हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए, पर आप बोल भी लो तो कोई बात नहीं है। मुझे लगेगा कि हाँ मैं मशहूर हो रही हूँ। बातें बहुत है करने के लिए। लोगों ने मुझे कहा था कि अपने दिल की बातें क्या करूँ, दिल की बातें क्या करूँ, दिल में बहुत कुछ है। किसी को पाने की चाह है, किसी का इंतज़ार है, इंतज़ार भी ऐसा पता नहीं वो आएगा या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें किसी का इंतज़ार करना चाहिए क्या लाइफ में, और कब तक करना चाहिए किसी का इंतज़ार? क्या आपने कभी किसी का इंतज़ार किया है अपने, किसी का भी, नॉट इवन प्यार, लाइक फ्रेंड, दोस्त, इन सब का? आपने किसी का इंतज़ार किया? आपको क्या लगता है कि इंतज़ार करना सही है कि मूव ऑन होना सही है? और एक इंसान को मूव ऑन कितने टाइम पे होना चाहिए? और ये मत बोलना मोहब्बत एक बार ही होती है, वो एक ही बार रहेगी। तो ये मत बोलना मोहब्बत दूसरी बार रहती है, तीसरी बार रहती है, वो मोहब्बत नहीं होती। बस एक बंदा चाहता है कि मैं मूव ऑन करूँ, उसके लिए होता है। मैं भी ना क्या टॉपिक लेके बैठ गई हूँ, इसका कोई सर नहीं है, पैर नहीं है, दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, बस ये टॉपिक मैं लेके बैठ गई हूँ। सो मुझे पता है कि आप लोगों को टॉपिक नहीं पसंद आएगा मेरा, पर मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, बहुत कुछ शेयर करने वाला है, बहुत कुछ बताने वाला है। ऐसा लग रहा है मैं बात करते जाऊँ, बात करते जाऊँ, बात करते जाऊँ, जो मेरे दिल में वो सब बोल दो। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज्योति कभी अपने दिल की बातें नहीं खोल सकती है, अपने दिल की बातें किसी से बोल नहीं सकती है। अगर मैं बोल दूँगी तो मेरा नेचर चेंज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं जो हूँ वो नहीं रहूँगी, इसलिए मैं अपने दिल में जो होता है वो बताती नहीं हूँ किसी को, अपने दिल तक ही रखती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने दिल तक ही रखूँगी तो वो बेटर है। मेरे चीज़ किसी को पता चलेगी, कल को उसने मजाक बना दिया, कल को उसने कुछ भी कह दिया, तो मुझे बहुत हर्ट होगा। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में हर्ट होते हैं, मैंने सच्ची